स्टूडेंट्स नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आर टी पीज इशूड बाई द इंस्टीट्यूट एज ऑन टूडे एज ऑन टूडे मतलब दिस इज फोर्टींथ ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टेन क्वेश्चन सोल्व करते हैं जैसे पहले वाले आर टी पी फॉर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वी ऑलवेज सोल्व सो वट वी आर बी डूइंग क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर करेंगे इन योर आर टीपीज ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फर्स्ट ऑल क्वेश्चन आदा देन ऑल आंसर आ हैव क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर एंड सो ऑन ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन लोगों ने जो डाला है वो एयरलाइन सेक्टर के ऊपर डाला है जिसकी अक्रॉस द वर्ल्ड बैंड बजी हुई है कोई कंपनी आज की डेट में ये नहीं सोच रही है कि हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स वो लोग यही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या बोल के जाएं कि भाई टैक्सेस माफ कर दो अपार्ट फ्रॉम दैट जो एयरपोर्ट टैक्सेज हैं वो कम कर दो फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेज हैं वो कम कर दो हर एक एयरलाइन कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड सिर्फ यही वाली चीजें वो कर रही है हाउ टू जस्ट ट्राई टू रन द बिजनेस ऑल दो द इंस्टीट्यूट हैज आस्ड अ क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप जहाँ पे ये सब कुछ है इंस्टीट्यूट ने तुमको एक सिचुएशन दिया लेट स्टार्ट टू आंसर टू दैट लेट्स नॉट ट्राई टू बिंकिंग करंट वर्ल्ड वगैरह के अंदर क्या हो रहा है ट्स ओनली सिंपली ट्राई टू फोकस ऑन वट एवर इज द आंसर गिवन बाई द इंस्टीट्यूट ओके इग्नोरिंग द सिचुएशंस जो आज की डेट में दुनिया भर में चल रही हैं ओके सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी ए इज द सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइंस इन कंट्री एक्स एविएशन इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स इज ग्रोइंग फास्ट इन टू थाउजेंड एंड इलेवन फोर्टी फाइव मिलियन पीपल ट्रेवल टू एंड फ्रॉम विद इन द कंट्री एक्स टू 2011 की बात है बाय 2020 दैट डबल्ड अप टू हंड्रेड मिलियन ठीक है 2020 वी नो द स्टोरी ऑफ दैट ईयर राइट दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेबल टू 300 मिलियन बाय 2030। चलिए ठीक है तुमको तो लगता है कि 2030 तक ये जो मार्केट साइज है ये अराउंड 300 मिलियन का हो जाएगा मार्केट साइज ऑल्सो बाई 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव कंट्री एक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूएस एंड चाइना आई एम वंडरिंग विच इज दिस कंट्री एक्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री Aviation, मतलब जो एयरलाइन इंडस्ट्री एवर इट विल क्रिएट चैलेंजेस ऑल्सो फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री एंड इट्स इंडस्ट्री पार्टनर्स ठीक है तो गवर्नमेंट सोच रही है हाउ टू बूस्ट अप द एयरलाइन सेक्टर विल बी चैलेंजेस इन ऑल दीज थिंग गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट टू एंश्योर दैट ब्रॉडर बिजनेस एंड पॉलिसी एनवायरमेंट should not place hurdles which inhibit growth and reduce the levels of benefit that aviation कैन डिलीवर टू द नेशन वो लोग जो गवर्नमेंट है ऐसा सोचता है कि हमारी कोई भी पॉलिसी शुड नॉट भी अगेंस्ट अगेंस्ट असटीमेटली अगर बिजनेस ग्रो होता है दे ऑल्सो गेट द शेयर ऑफ टैक्स नो द इंडस्ट्री इथ सप्लाई चेन पार्टनर्स अभी इंडस्ट्री मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री सप्लाई चेन पार्टनर्स सप्लाई चेन के अंदर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन होता है डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन होता है अपस्ट्रीम मतलब सप्लाई वगैरह अभी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऑनेस्टली सप्लायर्स बहुत ज़्यादा लोग होते हैं टू गिव यू सम एग्जांपल्स वो लोग हैं जो एयरलाइंस uh, का जो सर्विसिंग वगैरह करते हैं इट कुड बी दोस्त पीपल इट कुड बी दोस्त जिससे हम लोग एयरप्लेन खरीदते हैं लाइक बोइंग लाइक एयरबस वगैरह ये वाली जो कंपनीज हैं इट कुड बी दोस्त जो लोग हम लोग को खाना पीना सप्लाई करते हैं जो प्लेन के अंदर जाता है लाइक यू नो ताज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट केटर्स इन द एयरलाइन सेक्टर

जो भी सपोज इन लोग का एक सी एस आर होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी डिस्चार्ज uh, हो अगर सपोज दे वॉन्ट टू बी गिविंग से सम फ्री टिकट से टू से सम स्पोर्ट्स पीपल ओके जो लोग इतने रिच वगैरह वो नहीं हैं तो उन लोग को भी वो बेनिफिट वगैरह वो मिलना चाहिए ठीक है आगे डिस्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट मतलब कंट्री एक्स दैट इज अ मार्केट दैट वी आर ट्राइंग टू टॉक ऑफ स्ट्रगल्स फॉर पैसेंजर्स ऑल्सो बी एज फेसिंग दॉब्लम्स तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना इन लोगों का जो इंडस्ट्री है ना इज वेरी फास्ट ग्रोइंग एक चीज में हमेशा वो तुमको वो uh, बोलूंगा इन फ्यूचर ऑल्सोल्डिंग पास ऑल्सो कभी भी तुम लोग कोई बिजनेस अगर करना चाहते हो इन फ्यूचर ओके कोई ना कोई इंडस्ट्री के बारे में तो वो सोचोगे इफ यू हैव फाइव इंडस्ट्रीज नो इफ यू हैव फाइव इंडस्ट्रीज कि सर कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जाऊं और बिजनेस करूं हमेशा वो वाली इंडस्ट्री सिलेक्ट किया करो जहां पर ग्रोथ ज्यादा होता है और जहां पे कंपेरिटर्स कम होते हैं इट्स डिफिकल्ट टू गेट सच इंडस्ट्रीज बट इफ यू डू गेट ओके ट्राई टू डू योर बिजनेस ओवर देयर उसके अंदर रिस्क थोड़ा सा कम होता है वैसे अगर कंपटीशन कम होएगा दूर में शायद कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा क्योंकि कम लोग उस इंडस्ट्री के अंदर शायद इसके लिए भी आ रहे हो क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है या फिर कोई एक टेक्नोलॉजी है जो सब लोग के पास वो नहीं है सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यूल इज दैट इन फ्यूचर ऑल्सो इफ आर एवर पर्टिकुलर बिजनेस हमेशा ना लास्ट टेन ईयर्स का इंडस्ट्री का स्टेटस देखा करो इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो हो रही है एग्जाम्पल जब ही जियो ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जब भी उन लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो ऑफर किया इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन सो मच ये शायद मुकेश अंबानी का एक फोरसाइट था कि इंडस्ट्री इतने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है लेकिन अगर हम लोग फ्री प्लान लेकर आएगा ना इट विल ग्रो मल्टीफोल्ड एंड लुक एट दिस बिजनेस इट हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली सो so, ये वाला ये लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है ना जो एयरलाइन सेक्टर इस कंट्री के अंदर इट इज वेरी फास्ट ग्रोइंग लेकिन फिर भी दिस कंपनी इज स्ट्रगलिंग फॉर पैसेंजर्स लेट्स सी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट इन कंट्री एक्स एंड टैक्स हायर देन एनी इन द वर्ल्ड आई थिंक ये इंडिया की कहानी है कंट्री एक्स जो है बेटा उसका वो कोड नेम दिया है वरना वो इंडिया ही है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना ये जो फ्यूल होता है ऑब्वियसली आई थिंक यू ऑल विल बी नोइंग आल्सो कि प्लेन्स के ना पेट्रोल डीजल नहीं डलता वो ए टी एफ दलता है प्लेन्स के लिए एक स्पेशल फ्यूल होता है विच इज सुपर एक्सपेंसिव ये लोग क्या बोलते हैं फोर्टी परसेंट ऑफ देयर कॉस्ट इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कॉस्ट होने और उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा है द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस फोर्टीन परसेंट ऑन ए टी एफ बाई द स्टेट गवर्नमेंट टैट गोज एज हाईस्ट ट्वेंटी परसेंट तो अभी एक तो एयरलाइन पहले फ्यूल खरीदती है उसका कॉस्ट उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेज वगैरह ये वो सब कुछ वो मिला के कॉस्ट इज सुपर हाई एंड दैट कॉस्ट इज एज हाई एस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ ऑल देयर कॉस्ट ठीक है आगे द करसी डेप्रीसी इज हिटिंग एयरलाइन इंडस्ट्री फर्स्ट अच्छा एक सेकंड एक सेकंड तो एक प्रॉब्लम इधर है ना कि अपने लिए ए टी एफ इज वेरी कॉस्टली ठीक है क्या होता है कि ना कभी भी कोई क्वेश्चन केस स्टडी का होता है ना तो मैं हमेशा एक चीज दिमाग में रखता हूं केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके तो पहले प्रॉब्लम्स पता तो कर लो तो इस कंपनी के लिए जो एयरलाइन कंपनी uh, है उसके लिए दिस कॉस्ट इज वेरी हाई आगे करेंसी डेप्रिसिएशन हिटिंग एयरलाइन हार्डर अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ दर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ए टी एफ आर डॉलर डोमिनेटेड आठ डॉलर डी नोमिनेटेड वो लोग क्या बोलते हैं कि ना अभी इंडियन करेंसी अभी अज्यूमिंग दैट कंट्री एक्स इज इंडिया ओनली आई से लाइक दैट ओनली अपनी जो करेंसी है ना इट इज डेप्रीसिएटिंग वेरी फास्ट ओके वो लोग क्या बोलते हैं ट्वेंटी फाइव अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ देयर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द एफ डॉलर उनको उन चीजों के लिए ना डॉलर के अंदर पे करना पड़ता है ओके okay? तो अगर डॉलर के अंदर पे करना पड़ता है उनको डॉलर खरीदने पड़ते हैं वो लोग कमा रुपीस के अंदर रहे हैं अज्यूमिंग कंट्री इंडिया ओके वो लोग कमा डोमेस्टिक करेंसी के अंदर बोल रहे हैं लेकिन देर आर लॉट ऑफ कॉस्ट डॉलर्स तो ऑटोमेटिकली अगर अपना एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट होगा ना इट इज नॉट वेरी गुड फ्रॉम देम फ्रॉम एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स स कॉस्ट टू ग्राउंड हैंडलिंग पार्किंग चार्जेस एब्रॉड एसेट्रा फॉरिन कंट्रीज के न, जब अपने को अपना एयरलाइन पार्क करने का होगा तो उसके बाद हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कोई शायद बड़ी कंपनी से लीज के ऊपर वो लिया रहेगा लाइक बोइंग लाइक एयर बस वगैरह ओके उन लोगों को डॉलर के अंदर पे करना पड़ता है तो जब हमारा रेट जब हमारा करेंसी डेप्रीसिएट होता है वी आर एट अ लॉस आगे थर्ड तो यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि करेंसी जो है अपना डिप्रिसिएट हो रहा है ठीक है अभी ऑनेस्टली अगर कभी वो लोग तुमको ये पूछेंगे ना कि इसका सोल्यूशन दो सोल्यूशन के अंदर ये नहीं लिख सकते लेट्स लीव इंडिया लेट्स गो टू सम अदर कंट्री बॉज दैट कैन नॉट बी द सोल्यूशन ओके तो वो देखेंगे बाद में ठीक है बट आई एम जस्ट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ठीक है आगे थर्ड विद द एंट्री ऑफ लो बजट कैरियर्स फुल सर्विस कैरियर्स लाइक बी

ओके okay. जैसे एक टाइम पे इसे जेट एयरवेज होता था जो बर्बाद हो चुका है वो अलग बात है ओके बट फुल कैरियर ओके फुल सर्विस कैरियर मतलब दे प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू ऑल कैन बी थिंकिंग ओके ऑल द लग्जरी लाइक यू नो इन फ्लाइट जो एंटरटेनमेंट होता है आगे अपने स्क्रीनस होती हैं आपको जो मूवी देखने के तो वो देख लो ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है वो लोग क्या बोलते हैं अपनी कंपनी को ना ये जो अभी वो इकॉनमी वाले जो इकॉनमी वाली जो कंपनीज वगैरह वो आगे ना जिनको हम लोग लो बजट कैरियर्स जो बोलते हैं ओके okay? अभी वो लोग आ गए उन लोग के ना कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते इसलिए वो लोग पैसेंजर्स को डिस्काउंट देते हैं तो इसके लिए अभी एवरीबडी आई स्टार्टेड टू आज डिस्काउंट कि भाई हमको डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो तो ये वाली कंपनी जिसके ओवरहेड कॉस्ट वैसे ही ज्यादा होंगे ओके बिकॉज दी ऑफर सो मेनी सर्विसेज ओके अभी उन लोगों को प्राइस के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है ओके सो दे प्रॉब्लम ओके वी ऑल आर चार्जिंग हायर प्राइस बट कस्टमर्स नाउ दे ऑल वॉन्ट बार्गिउंस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म पॉलिसीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी आर अमंग द एरियाज दैट कुड फर्दर एनहस कंट्रीज एक्स कंपेरिटिवनेस ईज ऑफ डूइंग ओवर द लास्ट फाइव इज है एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू लाइक यू नो इन इंडिया अभी यू नो देर इज अ इंडेक्स ऑफ इज ऑफ डूइंगस एंड इंडिया हैज डन प्रिटिक गुड वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया के अंदर हैदराबाद इज आई थिंक द टॉप रेटेड इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओके कभी गूगल के ऊपर सर्च मारोगे यू विल स्टार्ट टू रियलाइज ईज ऑफ बिजनेस नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ओके बाकीमसी लोग दे वॉन्ट टू बी डूइंग बिजनेस इन दो पर्टिकुलर कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती लाइक वॉट हैपन विद चाइना दो ईयर्स बैक ओके वहां पे इट वॉज अ ग्रेट वेलकम फॉर ऑल सच कंपनीज वेरी लेस टैक्सेज ओके वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉर्मैलिटीज करप्शन बहुत कम था अभी वो लोग क्या बोलते हैं इस कंट्री एक्स के अंदर भी ये सब कुछ धीरे 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 वो हो रहा है ओके okay? जो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ एयरपोर्ट है ओपनिंग आर हायर सो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री एज सच इज गंग क्वाइट गुड तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट दिस इज अ गुड पॉइंट दैट दोस गाइस हैव टोल्ड द इंटेंस कंपटीशन अमंग द डोमेस्टिक एयरलाइन कैरियर्स द नीड टू कैप्चर अ स्लाइस ऑफ एवर एक्सपेंडिंग मार्केट एंड पैसेंजर प्राइस सेंसिटिविटी मेक्स एयरलाइंस डिफिकल्ट टू रेस टिकट प्राइसेस वो लोग क्या बोलते हैं कि ना इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है दैट इट इट इज बिकमिंग रियली डिफिकल्ट टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द टिकट्स ओके आगे together these fact uh, factors have now plunged country X aviation industry to its most precarious phase in the last 3 years or so. Precarious ka matlab hota hai dangerous okay something that is not stable here तो वो लोग क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा competition आ रहा है ना इतना ज़्यादा competition आ रहा है तो ज़रा सोचो every person in order to survive no विल ट्राई टू लोअर डाउन द प्राइसेस प्राइसेस तो बढ़ा नहीं सकते लेकिन कॉम्पिटिशन आएगा तो सब लोग अपने जो प्राइसेस हैं वो कम करने का ट्राई करेंगे ताकि मोर रेवेन्यू कम छू दें तो वो लोग क्या बोलते हैं ये चीजों की वजह से ना लास्ट थ्री ईयर्स के अंदर ये वाला जो इंडस्ट्री है ना इट इज नॉट एट अ वेरी गुड स्टेज राइट डाउन ओके क्योंकि देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ओके तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी ये कॉम्पिटिशन को मीट नहीं कर पाएगा ऑटोमैटिकली वो लोग लो ये वाला इंडस्ट्री छोड़ छोड़ता जाएगा आगे बी ए इज फेसिंग ह्यूज कॉम्पिटिशन एज अ ऑफ शार्प यूटर्न फॉर एक्स एविएशन इंडस्ट्री फ्रॉम रिकॉर्ड प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी टू मेगा लॉसेस वो लोग क्या बोलता है कि ना इन चीजों की वजह से ये वाला जो कंपनी है पिछले साल सुपर प्रॉफिट किया था और इस साल वो लोग बहुत बड़े लॉसेस के अंदर है शायद और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट फॉर एड फॉर रिडक्शन इन टैक्सेज एन फ्यूल बट ऑल इन वेन तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो टैक्सेज है वो कम करो तो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं सुनते मोर एक्सपेंसिव इन कंट्री एक्स वर्ल्ड बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हाई टैक्स रेट वो लोग क्या बोलते हैं कंट्री एक्स के अंदर द टैक्सेस आर सुपर हाई ओके तो उसकी वजह से दिस इज ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस फॉर बाइंग द एयरलाइन फ्यूल रिक्वायड एडवाइस स्ट्रेटेजी दैट बी ए शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेरेटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपेरिट ओके तो अभी तुम लोग एक यहां पर लास्ट चीज वो बोला हुआ है के अंदर, चेक कर लेना उसके हिसाब से बात करना एडवाइस 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 द स्ट्रैटेजी दैट बी बी ए शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेटिव ओवर इट्स कंपेरिट ओके सो वो लोग एंड के ना तुमको क्या बोलते हैं कि ना इनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि देर परफॉर्मेंस इज वेरी हाई एंड दे गेट अ कंपेरेटिवेज एज कंपेयर टू द कंपेटिट चलिए अभी इसका आंसर अपने को सोचना पड़ेगा उससे पहले कंपनी का जो प्रॉब्लम्स हैं एक बार वो डिस्कस कर लें पहले ओके okay, तीन प्रॉब्लम्स थे बेसिकली और उसके बाद एक पॉइंट नंबर फाइव के अंदर एक और चीज जो मैं लिखना शायद वो भूल गया दैट वाज कंपटीशन ओके एक मिनट वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थे फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएफ टी यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है टैक्सेस वगैरह की वजह से अभी तुम लोग ऐसा नहीं बोल सर टैक्सेस मत पे करो ना सर ओके okay. बेटा कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम लोग चीटिंग एज एडवाइस नहीं बोल सकता ठीक है और ये भी नहीं बोल सकते यूज समल्टरनेट फ्यूल वगैरह ओके ऐसा जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है प्लीज वो नहीं करना इन कॉमर्स ओके जिन चीजों के बारे में वो नहीं मालूम डोंट ट्राई टू गो इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो सेकेंड करेंसी रेट की वजह से द थिंग्स आर अ प्रॉब्लम ओके अपना जो करेंसी है डेप्रिसिएट होता रहता है बजट कैरियर्स वगैरह वो आ गए तो बजट कैरियर्स मतलब लो कॉस्ट एयरलाइंस ओके तो उन लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है प्राइसेस कम रखने पड़ते हैं उसके बाद फिर भी इंडस्ट्री का जो आउटलुक है फ्यूचर के लिए अच्छा है ओके तो इंडस्ट्री इज एवर ग्रोइंग तो याद रखना यू शुड नॉट थिंक ऑफ शटिंग डाउन योर बिजनेस ओके यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग योर स्टाइल ऑफ डूइंग द सेम बिजनेस ओके याद रखना चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इफ यू विल नॉट चेंज द बिजनेस और स्टाइल ऑफ डूइंग द बिजनेस कस्टमर्स विल चेंज यू ओके

गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेटिव एडवांटेज राइट मेरे ख्याल एडवांटेज एंड वट डू मीन बाई सुपीरियर परफॉर्मेंस ओके अभी माइकल पोटर का एक थियरी है वैल्यू चेन के अंदर भी वो आई जाता है विज की लाइक यू नो एक कंपनी जो है हाउ डज इट गेन कंपेटिव एज लाइक एक कंपनी जो है कब अच्छा करता है ऑब्वियसली तब अच्छा करता है वेन द वैल्यू दैट इट क्रिएट्स मतलब रेवेन्यू इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू ओके मतलब रेवेन्यू माइनस योर कॉस्ट दैट गिवस यू प्रॉफिट ए कंपनी प्रॉफिट तब ज्यादा कमाता है वेन इन दिस पर्टिकुलर केस इट हैज सम काइंड ऑफ एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर

एक कंपनी अच्छा कब कर सकती है एज कंपेयर टू दिन इट हैज कॉस्ट एडवांटेज मॉडल राइट कॉस्ट एडवांटेज मतलब हमारा कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कम है नाउ याद रखना अगर तुम्हारा कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कम है तो यू कैन गेट एडवांटेज इन टू वे विथ टू वे सिंपल चीज है ये अगर तुम लोगों ने अगर तुम लोगों ने अपना कॉस्ट कम किया एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स एक नंबर वो लेता हूं सपोज दिस इज यू एंड दिस इज कॉम्पिटिटर ठीक है ठीक है अभी एक चीज जरा सोचो ये हमारा कॉस्ट था चार रुपया कॉम्पिटेटर्स का भी कॉस्ट था चार रुपया मैंने क्या किया मैंने अपना ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किया सॉलिड स्ट्रीमलाइन किया जो भी वेस्टफुल एक्सपेंसेस था वेस्टफुल एक्टिविटीज थी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज थी धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इलिमिनेट कर ली कैजान कॉस्टिंग फॉलो किया आई सेव समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फोर रुपीज बिकेम थ्री रुपीज ठीक है मेरा जो कॉस्ट है एक रुपए से कम हो गया अभी आई एम हैविंग कॉस्ट एडवांटेज दिस ऑल्सो कॉल्ड इज कॉस्ट लीडरशिप ऑल दो यार ना कॉस्ट लीडरशिप तब आता है बिन योर कॉस्ट इज द लीस्ट अमंग ऑल दी दंपेटिटर्स ठीक है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज कॉस्ट लीडरशिप लेकिन अब जरा सोच अगर तेरा कॉस्ट कम है एस कंपेयर टू दिट ठीक है ध्यान से सुनना तो ऑब्वियसली इन दिस केस तू अपना प्राइस कम कर सकता है अगर तू अपना प्राइस कम करेगा यू विल स्टार्ट टू गेट मोर अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर एग्जाम्पल के तौर पे जरा सोचो हम दोनों का जो प्राइस था इसको मैं चार रुपया वो कर देता हूं जो पहले था ठीक है ट एट फाइव रुपीज ठीक है अपना ऑपरेशन स्ट्रीम लाइन वगैरह किया कॉस्ट के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया कॉस्ट कम करके दिखाया और थ्री पॉइंट फाइव पर लेकर आ गया ठीक है अभी मेरा जो यहां पर कॉस्ट है कितने से कम हो गया फिफ्टी पैसे से तो मैं अपना जो प्राइस है फाइव रुपीज से कम करके कितना कर सकता हूं फोर पॉइंट फाइव उसका मेरे को किधर ना किधर एडवांटेज तो मिलेगा प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना यार मेरा ओके दिस इज वन फॉर्म ऑफ एडवांटेज जहां पर माय मार्केट शेयर इज गोइंग टू गाइजिंग ऑल दो उसके लिए तुम्हारा जो कॉस्ट है वो तुम लोग को कम करके दिखाना पड़ेगा यू हैव टू टू ट्राई कट डाउन योर कॉस्ट एज सच ठीक है ये हो गया एक चीज दूसरा एक और एडवांटेज भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल बोलते हैं सर प्राइस नहीं कम करेंगे पांच रुपए का पांच रुपए ही रहने देंगे देन आल्सो यू विल हैव एन एडवांटेज सब लोग मेरे को जरा बताओ हाउ यू विल है एडवांटेज पहले या फिर मेरा जो कॉम्पिटिटर है अभी एक रुपए का प्रॉफिट कमाता है लेकिन मैं प्रॉफिट कितने का कमा लेगा वन पॉइंट फाइव का क्योंकि माई कॉस्ट नो तो याद रखना वन ऑफ द वेज ऑफ गेटिंग अ कंपेरिटिव एज यू हैव डन राइट इन चैप्टर दिसन वन ऑफ द वेज ऑफ गेटिंग एज इज ट्राइंग टू लोअर योर कॉस्ट अभी जब मैंने तुमको ये वाला चीज थ्योरी के अंदर भी कराया था मैंने तुमको दो कंपनीज का बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दिया था एक कंपनी था अ चाइनीज कंपनी से एम आई ओके वो शाओमी नाउ शाओमी हमेशा लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल ही फॉलो करता है हमेशा से हमेशा से वो लोग कुछ भी करेंगे लेकिन ना उन लोगों को अपने प्राइसेस कम रखने हैं प्राइसेस कम रखने हैं तो उसके लिए उनको उनके कॉस्ट कम रखने हैं ठीक है दर इज वन थिंग या फिर अ कंपनी लाइक एप्पल दैट ऑफर्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग कभी ये नहीं बोलते भाई हमारा प्राइस कम हम लोग बोलते हैं भाई हमारा प्राइस बहुत ज्यादा वी आर अ प्रीमियम कंपनी बट वी आर अ प्रीमियम कंपनी बिकॉज वी ऑफर यू प्रीमियम सर्विस और प्रीमियम प्रोडक्ट अगर ऐसा होगा तो शायद आप लोग मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं करोगे बिकॉज योर आर हाई। बट ऑटोमेटिकली इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल बी यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज पीपल थिंक दैट योर प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द कंपिटिटर्स सो दे आर रेडी टू पे यू हाई प्राइस सो वॉल्यूम्स माइट बी लोअर बट यू गेट हाई प्राइस तो

अगर एक कंपनी का दो प्रोडक्ट्स है दे माइट फॉलो वन मॉडल फॉर वन एन अदर मॉडल फॉर एन अदर वन हम लोगों ने ऐसा एक केस स्टडी किया था फॉर अ मोबाइल कंपनी जो दो टाइप्स ऑफ मोबाइल्स बनाता है एक जो मोबाइल है वो लोअर सेगमेंट के लिए है उनका प्राइसेस अपने को कम रखने का है वी वॉन्ट टू बी हैविंग लो कॉस्ट एडवांटेज और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है दैट इज फॉर द प्रीमियम कस्टमर्स ओके वी वॉन्ट टू बी हैविंग लाइक यू नो समथिंग इज वेरी हाई आपको एक एग्जाम्पल देता हूं एज ऑन टूडे आई एम सिंग आई एग्जैक्टली डोट नो की फ्यूचर के अंदर क्या होगा अभी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस टाइम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बाइक्स इन दर्ल्ड आर मेड बाय हार्ली डेविडसन दैट आई थिंक नोइंगल द कोरोना वायरस टाइम्स अभी हार्ली डेविड्सन की काफी बैंड बजी सेल्स वगैरह बहुत कम था सो दे ऑल था एग्जिट ओके उन लोगों ने वो सोचा कि इंडिया एग्जिट कर देंगे ऑल दो इट इज लाइक यू नो डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट कंपनी ओके ही से हार्डेविडसन इंडिया लेकिन उन लोगों ने सोचा ये एग्जिटिंग शायद अपना नाम थोड़ा सा वो बुरा हो जाए देन देट की करें क्या तो रिसेंटली आई डोट अबाउट द फ्यूचर न प्लीज ओके दिस इज एज ऑन डिट ये लोग हीरो मोटरसाइकिल्स के पास गए हीरो मोटरसाइकिल्स बजाज के पास भी गए थे लेकिन इन एंड बजाज डजन सूट दम क्योंकि बजाज के पास ऑलरेडी काफी हाई एंड बाइक्स हैं के करके बाइक्स आता है उनका फ्रेंचाइजी जो है तो वो बजाज के पास है फिर उसके बाद जो कावासाकी है जो कावासाकी निंजा है वो है सो लाइक यू नो फॉर देम लाइक हार्वी विल बी जस्ट एन अदर कंपनी विदेम सो दे गुड रोार्जेस्ट मैन्युफैक्चर साइकिल्स इन दर्ल्ड इट परचेज फायर फॉक्स बाईस चलो आई लीव द जनरल अभी हार्ली जो है वो हीरो के पास गया और हार्ली डेविडसन ने बोला दैट यू टेक आर फ्रेंचाइजी मतलब क्या करेंगे तुम लोग हमारा बाइक्स बेचो ठीक है शायद रीब्रांडिंग होगा तो हार्ली का इन इंडिया कॉल्ड एज हीरो हार्ली शायद शायद नॉट वेरी श्योर अभी तक वो चीज के ऊपर वो नहीं हुआ अभी तक इनफैक्ट दोनों कंपनीज के ऊपर दोनों कंपनीज ने कोई एग्रीमेंट वगैरह भी नहीं साइन किया है आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर दिस थिंग इज आई एम एज ऑन डेट ठीक है अभी हीरो होंडा जब हीरो होंडा स्प्लेंडर बनाता है ओके सॉरी नॉट हीरो होंडा इट इज नाउ टू हीरो होंडा वो अलग हो चुका है तो हीरो जब स्प्लेंडर बाइक बनाता है इट फॉलोज लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल अगर उसने कभी हार्ली भी बेचना स्टार्ट किया इट विल फॉलो प्रोडक्ट आई होप अंडरस्टैंड। अभी कोई हार्ली बाइक जब खरीदेगा ना डिस्काउंट नहीं मांगता मेरे को पचास पच्चीस हजार रुपए का डिस्काउंट दे बेटा वो पंद्रह लाख की बाइक आती है ओके उसका जो सबसे कम वाला मॉडल है इन इंडिया वो अराउंड वो सेवन लैक्स के आसपास है उनका एक वर्जन आता है क्वाल स्ट्रीट ओके हार्ली स्ट्रीट ओके सो दैट इज वन मॉडल जो इंडिया के अंदर पहले बनता था इसलिए वो सस्ता था उसके बाद उनके ऑल एक्सपेंसिव मॉडल स्टार्ट तो दिस इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके तो द अदर वे इन दिस पर्टिकुलर केस इज टू बी चार्जिंग प्रीमियम फ्रॉम द कस्टमर्स एंड दिस प्रीमियम ब्रिंग्स लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट ओके अभी बस हम लोग यही दोनों मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं सो ट्राई टू फॉलो वन ऑफ दीज टू स्ट्रेटेजीज ठीक है तो एक बार मैं पढ़ देता हूं कि आईसी ने क्या लिखा है यू ऑल विल अंडरस्टैंड ओके इन टू माइकल अबाउट क्रिएटिंग अ सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेरेटिव एडवांटेज अ अफॉर्म्स ओवरऑल कंपेरेटिव एडवांटेज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन ये देख लेना वैल्यू इट ऑफर्स टू द कस्टमर एंड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट कस्टमर वैल्यू तो वो लोग क्या बोलते हैं एक प्रॉफिट एक हाई प्रॉफिट ओके ट मतलब उससे अपने को एक एज मिले ओके तो वो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेवन्यू दैट वी ऑल गेट मतलब वैल्यूट इट ऑफर्स टू द कस्टमर एंड द कॉर्स ऑफ क्रिएटिंग इन प्रॉस्पर इन इंडस्ट्री द फॉर्म फॉर्म मस्ट मेट टू क्राइटेरिया दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड राइट ओके ऑल्दो किधर ना किधर जो हम लोगों ने बात किया शायद लाइक यू नो इट ऑटोमैटिकली कम्स एज पार्ट ऑफ अर आंसर दे मस्ट सप्लाई वॉट द कस्टमर्स वॉन्ट

जो हमको लगता है हमारे लिए अच्छा है एंड इन एंड हम लोग ऐसा मार्केटिंग करेंगे कि कस्टमर को भी वही चीज अच्छा लगेगा इफ यूल ट्राई टू थिंक फ्रॉम बिगनिंग एंड एप्पल कंपनी डन एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली ओके जब आईपॉड लॉन्च किया था लॉन्ग टाइम अगो जब आईफोन लॉन्च किया था दे डेड वॉट एवर दे वॉन्टेड एंड इन एंड वर्ल्ड एग्रीड ये दिस इज वॉट एवर वी ऑल वॉन्ट ओके सो लेक यू नो दाला जो लाइन है ना माइकल पोर्टर ने वो बोला था but every company might not agree to that okay you all will understand business doesn't have like you know rules written on top you can be doing business in entirely a different way and still you will be quite successful okay and sometimes you do everything right that big people do you still fail right okay but that's business for you to attain superior performance and attain competitive edge firm must have distinct competencies डिस्टिंग कॉम्पिटेंसी कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म फर्स्ट रिलेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल उसका मतलब यू ऑल नो अंडर वेम्स एनऑफरिंग और डिफरेंसिएशन एडवांटेज आप लोग उसको प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन एडवांटेज भी बोल सकते हो इफ अ कस्टमर परोडक्ट और सर्विस ए सुपीरियर दे बिकम मोर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस रिलेटिव टू द प्राइस दे है कंपेरेटिव ऑफरिंग्स और फॉर कंपीटिंग ऑफरिंग्स उसका मतलब क्या है कि हम लोग अपना जो प्राइस है हमेशा ज्यादा रखेंगे एंड कस्टमर्स एक्नॉलेज दैट की वी आर पेइंग अ हायर प्राइस बिकॉज वी सी द प्रोडक्ट दैट यू ऑल आर ऑफरिंग इज फार फॉर फार सुपीरियर अभी यही दोनों मॉडल्स के अंदर बस अपने को बात करने का है और कुछ बात नहीं करने का है दीज आर द मेन टू स्ट्रैटेजीज दैट कंपनीज यूजअली लाइक टू बी फॉलोइंग तो सबसे पहले लो कॉस्ट एडवांटेज एज ए टोल कभी भी एक कंपनी लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल अगर फॉलो करेगा तो उसको एडवांटेज कैसे मिल सकता है एक वो लोग अपना प्राइस कम कर सकता है उससे उनका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ सकता है दूसरा अगर उन लोगों ने प्राइस वही रखा एस कंपेयर टू द कम्पिटेटर्स लेकिन उनका कॉस्ट कम है सो प्रॉफिटेबिलिटीज विल बी हायर नो देट पर्टिकुलर केस ओके अभी तुम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से ये एयरलाइन सेक्टर का है ना ट्राई टू बी थिंकिंग सर कॉस्ट अपने को कैसे कम कर सकते हैं एयरलाइन सेक्टर है कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं सो मेनी थिंग्स ट्राई टू थिंक यू आर टाटा विस्तारा ओके और तुम्हारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अभी तुम लोग सोचो सर अपने को स्पाइस जेट बनने का है सर ओके okay? तुमको लो कॉस्ट का एडवांटेज चाहिए तुमको तुम्हारे ओवरहेड्स कम करने हैं ओके okay? अभी तुम लोग ये तो नहीं बोल सकते सर पेट्रोल कम यूज जो एयर जो एटीएफ है सर वो कम यूज करेंगे अभी ऐसा तो नहीं हो सकता ओके सो ट्राई टू से समथिंग दैट मेक्स सेंस यार ओके यू कैन ट्राई टू से सो सेनी थिंगस यू कैन कंप्लीटली शिफ्ट ये वाला चीज ना हम लोगों ने एक एयरलाइन का केस स्टडी भी था जहां पे हब एंड स्पाइक मॉडल था करके कुछ आई थिंक तुम लोग को याद आएगा दैट वी ऑल हैव डन बिफोर तो वॉट वी ऑल कैन ट्राई टू बी डूइंग हमारे जो कमीशन एजेंट्स थे वील ट्राई टू रिमूव दैम ओके वी माइट ओनली हैव से ऑनलाइन बुकिंग ठीक है

बट इंस्टेड ऑफ दैट वट यू ऑल कैन डू एयरपोर्ट्स पे अगर तुम लोग वो जाते हो तो वहां पे आजकल सेल्फ सर्विस काउंटर्स भी होते हैं जिनको हम लोग क्योस्क बोलता है ओके आई थिंक यू विल बी नोइंग दैट वो मशीन होती हैं जहां से ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो बोर्डिंग पास वगैरह है प्रिंट हो जाता है एवरी मशीन वर्ल्ड वाइड सब्स्टिट्यूट फॉर फाइव एम्प्लॉयज ओके सो दैट सेव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज को और क्या है याद रखना एक चीज एम्प्लॉ का कॉस्ट इज नॉट ओनली सैलरी देर आर मेनी अदर थिंग्स पर क्यूजिट ट्रांसपोर्ट ओके ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हाई सो कंपनी कैन बी शिफ्टिंग टू सच काइंड ऑफ मॉडल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस कंपनी क्या कर सकती है अभी दिस डिपेंड्स अपॉन लाइक यू नो कि अगर सपोज दो एयरपोर्ट्स हैं अगर सपोज दो एयरपोर्ट्स हैं वन इज इन दिस केस ए इन द मेन टर्म आउट ऑफ द टाउन यू कैन ट्राई टू ओनली यूज द एयरपोर्ट जो आउट ऑफ द टाउन है क्योंकि उन लोगों के चार्जेस हमेशा कम होंगे सो पर्टिकुलर केस तुम्हारा यहाँ पर जो uh, क्या बोलते हैं जो तुम्हारा uh, पार्किंग वगैरह का कॉस्ट है दैट कु लेस दीज आर फ्यू ऑफ द एडवाइसिस और अभी मेन एडवाइस आ रहा है यू कैन इन दिस केस स्टार्ट टू रिड्यूस योर ओवर एज ऑब्वियसली बाई ऑफरिंग नो फूड एंड नो

वेर बायू कैन चेंज द टाइमिंग्स वगैरह ऑल दो थिंग्स ऑल्सो यू ऑल कैन बी रिमूविंग इट इज ऑलवेज बेटर क्योंकि वो चीज़ों के ना अजीबी कॉस्ट होते हैं समटाइम्स अ कस्टमर विल कैंसल द टिकट ऑन द लास्ट मोमेंट एंड ही इज अलाउड टू बी डूइंग फ्लेक्सी टिकट तो फिर तुम्हारा एयरलाइंस कभी कभी खाली जा भी सकता है इफ यू आर शिफ्टिंग टू अ लो कॉस्ट मॉडल ट्राई टू रिड्यूस योर सर्विस तुम्हारा जो लेगरूम वगैरह है वो कम कर दो ऑटोमेटिकली मोर सीट्स विल बी देयर ओके ऐसा स्पाइस डेट वगैरह तो बहुत करता है अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपना फ्लाइट एंटरटेनमेंट uh, वगैरह होता है जो आगे वो सब कुछ वो होता है लाइक द स्क्रीन द टीवी वगैरह यू कैन ट्राई टू बी रिमूविंग दैट तो वो वाले फीचर्स की कोई जरूरत नहीं है जो हम लोग लाइक यू नो जो लोग पैसेंजर्स लेट आते हैं यू कैन ट्राई टू टेल देम कि नाउ बोर्डिंग इज फिनिश यू कैन नॉट बी बोर्डिंग मोर ओके सो ऑटोमेटिकली ऑल दीज थिंग्स विल ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट दीज आर ऑल वेज एंड मीन्स एट एवरी एयरलाइन कंपनी डज टू बी रिड्यूसिंग इट्स ओवर हेड्स इफ इट वॉन्ट्स टू बी हैविंग लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल

मैच द प्राइस विद कॉम्पिटिंग सर्विसेज एंड इंक्रीजेस प्रोफिटेबिलिटी या अपना प्राइस वो ही रखो जो कॉम्पिटेटर्स का है ऑटोमैटिकली प्रोफिटेबिलिटी विल भी हायर बिकॉज ऑब्वियसली इन दिस केस तुम्हारा जो कॉस्ट uh, है वो कम है कॉस्ट रिडक्शंस इन बी ए कैन बी अचीव थ्रू यील्ड मैनेजमेंट विद वेरिएबल प्राइसिंग डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विद केयरफुल मॉनिटरिंग ये एक लाइन था ऑनेस्टली आई शुड हैल्सो फॉर एयरलाइंस नो शेड्यूलिंग प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन दिस वर्ल्ड तुम लोग को ऐसे ऐसी, ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि योर प्लेन इज फुल्ली यूटिलाइज ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू गेट इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल जितना तुम्हारा प्लेन भरा हुआ होगा उतना तुम्हारा कॉस्ट पर पैसेंजर कम होगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट विल बी हायर ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर द एयरलाइन सेक्टर आर ऑलवेज फिक्स कॉस्ट तो अगर प्लेन खाली जाता है ना वी लूज द रेवेन्यू दैट वी वर सपोज टू बी गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर ओके एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट इफेक्टिव वे दैट इज सेलिंग द सीड्स बाय द इंटरनेट देन थ्रू द ट्रैवल एजेंट्स आई टोल्ड दैट ट्रिमिंग ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग लोअर कॉस्ट आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट जो बाहर होते हैं लाइक जो स्मॉलर टाउन्स वगैरह के अंदर लाइक इन मुंबई ऑल्सो देर इज अ मेन एयरपोर्ट एंड नाउ इन फ्यू ईयर्स अभी आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन दैट फ्यू ईयर बट देर विल बी वन न्यू एयरपोर्ट नियर पनवेल ऑल्सो पिछले बारह साल से बोलोग ऐसा बोलते रहे नो प्रिंटेड टिकट सीट एलोकेशन और फ्री मीन्स और ड्रिंक्स ओके एंड एफिशियंट ऑपरेशन ओके मतलब ट्राई टू हैव द मैक्सिम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ओके डेट में यू ऑल कैन राइट यू नो अभी इफ़ यू हैव आई फोन वगैरह तो आजकल यू गेट योर बोर्डिंग ऑन द फोन ऑल्सो सो इट एंड इज फास्ट टर्न ये इसी का पॉइंट है आगे दैट इज फास्ट टर्न ओवर टाइम्स टू इम्प्रूविलाईजेशन

याद रखना लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल तभी तक काम करेगा जब तक अदर कंपनीज डू नॉट गेट दैट कॉस्ट एडवांटेज अगर तेरा कॉस्ट फोर का थ्री पॉइंट फाइव हुआ ना डू रिमेंबर अदर कंपनीज आर नॉट फुलिश दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कट डाउन द कॉस्ट द मोमेंट दे विल स्टार्ट टू कट डाउन द कॉस्ट ओके अगर उनका भी कॉस्ट 3.5 हो गया तो वो लोग भी अपने प्राइसेस कम करने स्टार्ट कर देते हैं एंड देन देर इज ऑलवेज अ प्राइस वॉर दैट गोज ऑन एट दैट टाइम इंडस्ट्री बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एग्जैक्टली जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हुआ था वेरी गुड फॉर द कस्टमर्स बट बॉस इट इज वेरी बैड फॉर द बिजनेस ओके वोडाफोन कैसे सर्वाइव कर रहा है नेम इज ऑल्सो चेंज टू वाई दैट इज वोडाफोन एन आइडिया ओके बट स्टिल इट इज वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर दैम उनको घड़ी घड़ी वो कैपिटल की जरूरत पड़ती है विच इज अटमेयर एक्चुअली फॉर सच कंपनीज अदर वन प्रोडक्ट डिफरेंसीशन एडवांटेज सो द अदर ऑप्शन दैट यू ऑल कैन भी हैविंग इन दिस केस इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसी प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का मतलब अपने प्रोडक्ट का वैसा एक एडवांटेज रखो ताकि इन दिस पर्टिकुलर केस यू ऑलवेज गेट अ कंपेरेटिव एडवांटेज वी आर बाई पीपल थिंक कि यार एयरलाइन बहुत सारी होगी आई वॉन्ट टू ट्रैवल थ्रू दिस बिकॉज आई गेट सुपीरियर सर्विस एंड सुपीरियर सर्विस इन एनी एयरलाइंस कैन बी ड्यू टू वेरियस थिंग्स एक दो चीजें वो इंस्टीट्यूट ने भी लिखा यू कैन राइट ऑन मेनी थिंग्स फ्रॉम योर साइड आई थिंक सो एकट्यूट ने बिल्कुल नहीं लिखा हाउ विल अ कम टूनी गेट सुपीरियर थिंग्स वेन इट इज अ एयरलाइन कंपनी आपको एक प्रोडक्ट एडवांटेज कैसे मिलेगा एक पॉइंट जो मेरे को ऐसा लगता है लाइक यू नो दैट मेनी पीपल डाई टू बी हैविंग इज गुड लौच आई होप यूल अंडरस्टैंड वट अ लौंच इफ़ यू गो टू अ एयरपोर्ट ओके अगर आपके पास ये चीज जेट वाला तो पहले करता था ओके okay, आई मतलब लाइक यू नो वो टाटा विस्तारा भी करते हैं दे हैव लाउचेज यू ऑल कैन गो देर यू ऑल कैन रिलैक्स यू ऑल कैन हैव लाइक ड्रिंग एंड सो ऑन अभी वो एक चीज है ना जो हाइंड कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं सो यू कैन ऑफर ऑल द टाइप्स ऑफ लॉन्चेज यू कैन ट्राई टू हैव गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट इज देयर ताकि अपने को टाइट टाइट वो बैठने की जरूरत नहीं है कंपनी लाइक -like से इतिहाद ओके okay, जो एयरवेज वगैरह है फिर उसके बाद जो एमरेट्स है ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज गिव यू बिग लेग लेग रूम आप उनके बिजनेस क्लास में जाओ सो देर इज अ स्लीपिंग प्लेस ऑल्सो ओके दे ऑफर यू ऑल द टाइप्स ऑफ दे ऑफर यू ऑल टाइप्स ऑफ फूड दैट यू ऑल वॉन्ट आपको एक मेन्यू कार्ड देते हैं कि तुमको क्या चाहिए दे ऑफर यू हॉट फूड

लाइक यू नो एक एयरलाइन कंपनी के अंदर भी ना दे है स्लॉट कि उनका जो प्लेन है कभी उड़ेगा एंड सोन सो लाइक यू नो एग्जाम्पल के तौर पर एवरी डे नाइन ए एम टू टेन ए एम इन द मॉर्निंग मोस्ट प्रीमियम दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपनीज लाइक दिस वन हैज बी पेइंग फॉर सच स्लॉट टू द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ओके सो इन दिस केस यू कैन ट्राई टू हैव सी द प्रीमियम स्लॉट You can try to have the premium destinations which are there. okay, they will be expensive. We all understand that. But that is how your product differentiation will always be there. OK? So you can try to have all these particular points, that you get product differentiation. It occurs when customers perceive that a business services offering is of higher quality, involves fewer risks, and outperforms the services offered by competitors in other words customers perceive the service offered by the business to be superior example differentiation may include the firm's ability to deliver services and other factors that provide unique customer value Abhi examples start. Ho ba is a multinational passenger airlines okay it can adopt a differentiation approach by offering passengers high quality Experience than many of its rivals. So product differentiation. This is this allows it to charge a premium for its flights compared to many other airlines. A differentiation advantage can be achieved by offering enhanced features such as prime landing slots, prime landing slots at the major airports around the world using superior and advanced technology. Well-maintained, cleaned, and comfortable aircrafts. Just leg room. ट्रेनिंग इन कस्टमर केयर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ हाई क्वालिटी स्टाफ नाउ टू टेल यू मैनी ऑफ द रिच पीपल ओके मैनी ऑफ द रिच पीपल वेरी रिच पीपल ओके सेलेक्ट ऑल दीज काइंड ऑफ एयरलाइंस इज बिकॉज दे लव टू गेट सर्व्ड बाई ऑल यंग पीपल वेदर इज यंग बॉयज और यंग गर्ल्स ओके तो ऑब्वियसली इन दिस केस आपका जो कस्टमर केयर है लाइक नो द एयर हॉस्टेस ओके मेल फीमेल that ट्राइंग टू गो if they can serve बट इफ automatically कैन सर्व यू प्रॉपरली experience आगे प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज सच एस फ्लाइट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जो आगे टीवी स्क्रीन वगैरह वो होती है हर बंदे के लिए वो अलग अलग हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक्स कस्टमर वैल्यू कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाई नीज आर ऑल अदर थिंग्स दैट यू ऑल कैन बी सिंग ऑल्सो थिंग्स आर ऑल अबाउट कि आप कंपनी का जो ब्रांडिंग वगैरह है वो आप अच्छा करो ऑटोमेटिकली मोर पीपल विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सच एज यूर ब्रांड इमेज एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हाउ एवर डिफरेंशिएटर के नॉट इग्नोर इस कॉस्ट पोजिशन ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी है ना यू चार्ज अ प्रीमियम फीस वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ओके लेकिन डू रिमेंबर यू स्टिल हैव टू बी कंट्रोलिंग योर कॉस्ट हम लोग कॉस्ट चिंदी तरीके से बचा नहीं रहे हैं ओके लेकिन आपको कॉस्ट फिर भी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ये ना हो तुम लोगों ने प्राइस सौ रुपए से बढ़ाया एंड यू वॉन्ट टू टू बी वेरी प्रीमियम एंड यू आर इंक्रीजिंग यर कॉस्ट बाई हंड्रेड एंड टेन दैट इज टू पड़ ओके इफ यूर कॉस्ट आर गोन्क्रीजिंग बाई द सेम मैग्नीट्यूड देन इन दैट पर्टिक्यूलर की प्राइस इज बॉज ऑफ नो यूज इके प्रीमियम प्राइस इज वेलिफाइड क्योंकि योर कॉस्ट विलू ऑनसेस डिफ्रेंशिएटेड इट्स ऑफरिंग मैनेजमेंट ऑफ बी ए मी एक्सप्लॉयड एडवांटेज इन वन ऑफ द टू वेज इधर इंक्रीज द प्राइस इट ऑफर्स इट ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर्स बेनिफिट वो लोग क्या बोलते हैं अपने प्राइसेस तब तक बढ़ाते रहो जब तक उसका जो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऑफ गिविंग दैट बेनिफिट ओके इज नॉट रीच दस मेंटेनिंग द करंट मार्केट शेयर ओके दर इज वन थिंग और ये वाला पॉइंट जरा वो समझने का ट्राई करना प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम लेवल टू बिल्ड द मार्केट शेयर सपोज यू आर अ वेरी प्रीमियम कंपनी यू आर अ वेरी प्रीमियम कंपनी ओके और तुम्हारा एक और कॉम्पिटिटर भी है अभी वो जो बंदा है ना टिकट का जो प्राइस है बीस हजार रखता है तुम लोग एक काम जरा करो तुम लोग भी बहुत प्रीमियम हो ओके okay? लेकिन तुम लोग ना अपना प्राइस 19000 रखो एट कई कस्टमर्स ऐसा सोचेंगे यार अगर दोनों का सर्विसेज आर एग्जैक्टली सेम नो लेट मी प्रेफर दैट काइंड ऑफ अ एयरलाइंस जिसके अंदर मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है सो 19000 माइट बी प्रेफर्ड ओके तो इवन इफ देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्टिल दैट प्राइस थोड़ा सा प्राइस ट्राइंग टू नलिफाई ओके मतलब थोड़ा सा प्राइस कम रख के यू माइट बी एबल टू गेट मोर अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर ठीक है तो दो होती हैं कौन सी दो फर्स्ट ट्राई टू हैव लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल एंड द सेकंड पर्टिकुलर थिंग इन दिस केस इज नथिंग बट प्रोडक्ट डिफ्रेंसियन दोनों में से यू कैन ट्राई टू फॉलो वन ओके दैट विल बी बेटर ओके ऑल इन रियालिटी इट डज डिपेंड अपॉन द कंपनी अभी इसके अंदर एक जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना दिस शुड स्ट्राइक यू ठीक है अभी ये वाला चीज ना वो समझना क्योंकि हम लोगों ने केस स्टडी किया था ऐसा तो दिस पॉइंट आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम देर एंड एक्चुअली ब्रॉट आउट फ्रॉम जो हब एंड स्पोक मॉडल था जो हब एंड स्पाइक मॉडल का था कुछ ऐसा याद रखना कि ना हर एक इंडस्ट्री के अंदर देर इज अ प्लेस फॉर सम्बडी लाइक एम आई एंड देर इज अ प्लेस फॉर सम्बडी लाइक एप्पल ओके

कि वी आर थिंकिंग जो लाइक यू नो वी विल नॉट ट्राई टू हैव लाइक यू नो ऑल मेजर डेस्टिनेशन वी कैन ट्राई टू ऑपरेट एट स्मॉलर डेस्टिनेशन टू गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल सपोज वी कैन स्टार्ट से अमृतसर और दिल्ली के बीच में ज्यादा कोई यहां पर कंपनीज वगैरह वो नहीं है सो वॉट वी विल डू वी विल स्टार्ट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वील हैव स्मॉल एयरलाइंस छोटे छोटे प्लेन्स टू ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम अमृतसर टू डेली वी कैन ट्राई टू एडवर्टाइज दैट थिंग इन दैट पर्टिकुलर वे कि ट्रेन से इतना टाइम लगता था लेकिन प्लेन विल बी सेविंग योर ये आवर्स कुछ ऐसा ओके okay. अगर ऐसा करोगे दिस इज अश मार्केट ओके बट इन निश मार्केट यू कैन गेट आउट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शायद बड़ी बड़ी कंपनीज ने कभी ये वाला चीज एक्सप्लॉइट ही नहीं किया या फिर उन लोगों को ये लगा था दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग ओके

यहां पे ट के तौर पे वो लिखा है विच इज अ वेरी गुड एडवाइस अगर तुमको स्ट्राइक लास्ट पॉइंट और आएगा लेकिन मैं तक वो पहले पढ़ लेता टू पॉइंट फ्लाइट टू रिड्यूस माइकल पोर्टर इन फोकस एज अटेनिंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप अ पर्टिकुलर बाय ग्रुप मतलब वो लोग क्या बोलते हैं कि लेट्स ट्राई टू हैव लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ओनली फॉर अ लिमिटेड बायर ग्रुप लिमिटेड बायर मतलब से समथिंग लाइक ओनली फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली वाला ओके सेगमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन नॉट द इंटायर प्रोडक्ट बट अ स्म सेगमेंट ऑफ दैट और जो ग्राफिकल मार्केट राधा होल तो पूरी इंडस्ट्री को सोचने के बजायव इन दिस पर्टिकुलर केस लाइक एडवांटेज इन सम्मॉल थिंग उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सॉरी आई गो बिट ऑफ बी एग्जाम्पल अभी वो बनाते थे शार्प कंपनी यू माइट है वो अभी भी बनाते हैं In fact, one of the companies that converted from being a public company to a private company, you all might not be knowing that. Now, this company thi na, ye log pehle kuch the. okay? But there time whereby they were not doing good. So, then instead of making each and everything, they specialized in only making some sort of displays and some sort of small RAM chips. पूरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहे थे कि हम लोग वो टेलीविजन मार्केट को कैप्चर उनकी औकात के बाहर ही था क्योंकि वो लोग बहुत साल से कर रहे थे बट देर नॉट गेटिंग सक्सेस सो दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑफ सेगमेंट इन द इंडस्ट्री वो लोग पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर नहीं करना चाहते बट जस्ट अमॉल सेगमेंट द फोकसर कैन अटेन एडवांटेज विद बिकॉज लार्ज फॉर्म्स आर ई द नॉट अट्रैक्टेड टू निश

इन दोनों में से एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और ऐसा हो सकता है एक जगह पे एक स्ट्रैटेजी काम करेगा दूसरी जगह पे दूसरा स्मॉल एग्जांपल शायद अमृतसर से लेके दिल्ली तक तो नॉर्थ इंडियंस अभी उन लोग को ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडियंस वांट टू ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास ऑलवेज ओके तो वहां पे यू कैन ट्राई टू हैव कॉस्ट एडवांटेज गुड सर्विस ये वगैरह ओके समथिंग लाइक like जो विजयमाला ने किया था एक बार लाइक यू बियर ऑन दिस पर्टिक्यूलर थिंग एंड ऑल दैट ओके उसके बाद देर कुड बी वन अदर मॉडल ओके वी आर बाय लाइक यू नो इन साउथ से फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस टू चेन्नई दे कैन ऑफर से अ लो कॉस्ट एडवांटेज काइंड ऑफ थिंग ओके वन ऑफ द रिस्क ऑफ फोकस स्ट्रैटी फोकस स्ट्रैटी मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटजी ज एट ब्रॉडली टारगेटेड कॉम्पिटिटर्स devastate the सेगमेंट वंस इट becomes economically attractive वो लोग क्या बोलते हैं कि ना अगर तुम लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल के लिए जाओगे ना कभी ना कभी तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी लो कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा और जब उनको मिल जाएगा ना अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो जाता है दैट मार्केट गेट्स फॉल्ट एंड योर प्रोफिटेबिलिटी बिकम्स वेरी लेस बस अभी उसके बाद टुवर्ड्स तो द एंड वी आर ट्राइंग टू से ऑल दो अदर थिंग्स आल्सो जो प्रॉब्लम के तौर पे था ओके देखो वहां पे जो प्रॉब्लम्स थे ना वो क्या थे प्रॉब्लम्स जो थे मैंने वहां पे वो वाली चीजें वो लिखी थी हम लोगों ने इसके बारे में शायद बात कर लिया है कि कॉम्पिटेट कॉम्पिटेटर्स को कैसे बीट करने का थ्रू लो कॉस्ट एडवांटेज वगैरह वी ऑल स्पोकन हम लोगों ने प्राइस के बारे में भी बात वो कर ही लिया है थ्रू आर स्ट्रेटेजीज उसके बाद बच गए यहां पे दो चीजें मेरे ख्याल से एक यहां पे वो एयरलाइन वाला है और सॉरी वो जो फ्यूल वाला है और जो दूसरा है अपना करेंसी है अभी उसके लिए ऑल्सो एड्रेस एवरी प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम वो छोड़ने का नहीं अगर तुम लोग को यहां पे अपना फ्यूल कॉस्ट कम करने का है ये तो नहीं बोल सकते कि टैक्सेस मत पे करो गवर्नमेंट को तो हम लोगों ने अप्रोच करके वो देख ही लिया लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं कम करेंगे सो ट्राई टू यूज वट एवर आर लाइक यू नो दोज डिवाइसेस जिससे तुम्हारा फ्यूल का कंजम्पशन थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो ओके okay? मतलब कम हो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक यू नो द प्लेन पायलट्स वगैरह जो होते हैं उन लोगों को भी बोल सकते हो शायद एट सम काइंड ऑफ अ स्पीड फ्यूल कंजम्पशन इज लेस अगर ऐसा है ट्राई टू बी डूइंग दैट सो वट एवर आर थिंग्स ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर लोग क्या बोलते हैं कि ना इन लोगों का जो डॉलर वाला जो पेमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा है अगर डॉलर वाला जो पेमेंट्स है जिससे अगर डॉलर वाला जो पेमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर क्या कर सकते हो अगर सपोज लैंडिंग चार्जेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा है यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ सर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेस्टिक मार्केट ओनली ऐसा भी कुछ सोच सकते हो ताकि अपना जो पेमेंट इन डॉलर्स वगैरह है वो कम हो अगर तुम्हारा जो प्लेन है सपोज उसके मेंटेनेंस के लिए यू हैव अपॉइंटेड सम फॉरेन कंपनी जिसको जिसके लिए हैवॉइंटेड समय बी पेइंग इन डॉलर्स यू कैन ट्राई टू थिंक क्या कोई इंडियन कंपनी इज दैट कि आप लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट वो दे पाओ उस केस के अंदर क्या होगा यू विल अर्न ऑल्सो इन रूपीज You will pay also in rupees. So, currency exchange of fluctuation will not be hitting you. Okay. So, all those advices also will be part of this. In addition, currency depreciation is hitting the airlines harder.

डिवाइज ओके okay. तो जो भी ऐसे डिवाइसेज हो सकते हैं जिससे फ्यूल वगैरह वो बच सकता है ट्राई टू बी है रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट माइट आउट वे दैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली हर चीज का एक कैपिटल कॉस्ट होगा यूल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट कि तुम्हारा सेलिंग कितना हो रहा है लेकिन उस टक्कर के अंदर तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कितना हो रहा है इन दिस वे अब डिस्कस स्ट्रैटेजीज में बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर हेल्पिंग बी ए So, ज के लिए वो चले जाओ या फिर आप लोग सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए वो चले जाओ ओके सो दीज आर ब्रॉडली दू स्ट्रेटेजी दैट आर देयर इसके साथ आई है क्वेश्चन नंबर वन दैट इज देर इसके बाद तुम्हारे जो भी लेक्चर्स इस uh, आर टीपी के होंगे ऑल ऑफ देन विल बी कमिंग डायरेक्टली इन यूर ऐप इन लाइफ टाइम अपडेट ओके इनकेस यू ऑल हैव नॉट इनरोल्ड देर इज अ फॉर्म दैट इज देर फॉर आर ओन स्टूडेंट्स ओके इफ यू वर अ पास स्टूडेंट देन यू हैव टू फिल अप दैट पर्टिक्यूलर फॉर्म टू बी गेट इंग इट इज ओनली फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ आर कोर्स ओके थैंक यू गाइज आई सी यू ऑल